वहाँ दूल्हे को टेंट में बिठाया है और कुछ रस्में जो होती हैं पहाड़ियों की वही रस्म हो रही है। तो मैं भी बैठी हुई हूँ साइड में, रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम देख सकते हैं। और ये लड़की का घर, नीचे से इसका रास्ता है, तो जा रहे हैं आप सब नाचते हुए, सब देख सकते हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जयमाला हो चुकी है, हम यहाँ पर जयमाला तक ही रुके थे, बाकी सब भी थे लेकिन हम लोग तो चले गए थे। मैं चली गई थी यहाँ से वापस और फिर वहीं पे हम घर पे बैठ कर इनका इंतज़ार किए थे। बाकी सब लोग आए थे शाम में दुल्हन के साथ और अभी आप देख सकते हैं बाकी का शादी हो गया है और बाकी आगे कैसे दुल्हन को पूजा के लिए ले जाया जाएगा यही सब आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं, पहाड़ों में ऊपर मंदिर है जो, वहाँ का आपको दृश्य देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। बहुत तेज धूप भी हो रही थी, बहुत दिक्कत लग रहा था, बहुत तेज धूप, बाप रे, इसलिए हम लोग चले गए थे। बाकी सब लोग थे, जब शादी पूरा निपट गया तो फिर ये यहाँ पे दुल्हन को शाम को जब एंट्री हुआ था लेके आए थे घर में, तो यहाँ पे सब ने सुंदर सुंदर गीत गाए, आप लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट डे है दुल्हन का मंदिर जाते हुए।
पर मैं बहुत ध्यान से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्लिप होने वाली जगह है, बहुत ज़्यादा ढलान है और सामने में एक बहुत बड़ी सी नदी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। जब बरसात होती है तो बहुत पानी उसमें आता है, तो ये जो रास्ते हैं पूरे ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह के रास्ते होते हैं पथरीले इतनी और धूप है, इतना तेज बाप खूंखार रे, धूप है में कि पूरी मैं हालत क्या खराब बताएं होगी। आपको। डग डग के जा रहे अपने आप को क्या करे, हे भगवान। पहाड़ में पहाड़ चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, देखो पीछे। खाड़ा, इसमें बहुत पानी आता भी नहीं है, सूखा हुआ है ये पहाड़, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। और ये हम ऊपर चढ़ते हुए मंदिर में जा रहे हैं दुल्हन को लेके पूजा के लिए। हम यहाँ पेड़ के नीचे रुक गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और चढ़ाई और ज़्यादा थी और ऊपर जाना था। तो दूल्हा दुल्हन चले गए और साथ में उनके थोड़े से रिश्तेदार गए हैं, और हम लोग तो नीचे ही बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग पूजा करके आएंगे। देखो वो जा रहे हैं साथ में, भाभी भी जा रही है साथ में, दुल्हन की जो भाभी है वो भी जा रही है साथ में। जितना सुंदर देखने में ये रास्ते लगते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये कठिन भी होते हैं चढ़ने में उतरने में। आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई है और ढलान है, हम लोग बच बच के चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, हरियाली हरियाली चारों तो तरफ। अब हम वापस जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन पूजा करके वापस आ गए हैं और हम जा रहे हैं वापस अभी यहाँ से। आदत है ना इनको, इसलिए चला लेते हैं।